सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख लगेज की, ये आपने कहाँ से लगवाया और ये कितने का आपको पड़ा? दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आप देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक। आज हमारे साथ हम एक खास मानी जानी हस्ती है और जो मतलब काफ़ी लंबे लंबे टूर कर चुकी है, तो आज उनके बारे में कुछ छोटी छोटी डिटेल और आप लॉन्ग राइड करते हैं क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है और कैसे आप अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस रख सकते हैं, इस टॉपिक के विषय में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं अपने सर से। हाय, मेरा नाम नरेन चंद है। मैं ऑलमोस्ट 2 साल से राइड कर रहा हूँ। तो इस 2 साल पहले मैंने ये बाइक ली थी और इस दौरान मैं 50,000 किलोमीटर तक राइड कर सकता हूँ और अभी कर चुका हूँ। इनकी गाड़ी कन्याकुमारी से खरदुंगला तक पूरा, खरदुंगला से कन्याकुमारी पूरा मैंने राइड किया है। नॉर्थ टू साउथ JNK एक्सपीडिशन भी किया है। स्पीति, लद्दाख, चौपटा, तुंगनाथ, उत्तराखंड के टूर मैं बेसिकली मारता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुमाऊँ को एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि मैं यहीं थल कुमाऊँ से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लॉन्ग राइड करने वाले, जैसे कि अभी आप एक राइड कर रहे हैं, जो हमारी राइड किसकी कौन करा रहे हैं? ये ट्रू वांडरर करके कॉन्टेस्ट है रैंगलर का, ठीक है। ये स्टिकर भी लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैग। और तो ये हर साल होता है रैंगलर डेनिम्स, जैसे मैंने पहनी हुई है ये जीन्स टी शर्ट, तो रैंगलर हर साल ये कॉन्टेस्ट कराता है और इसमें 50,000 एंट्रीज में से 25 लोग चुने गए जिसमें मैं फाइनलिस्ट हूँ। और ये तो उसमें बात है, और ये अभी मुझे तो रैंगलर ने मुझे स्पॉन्सर किया एक राइड के लिए, तो आई कैन राइड एनीवेयर इन इंडिया। बट मैंने सोचा कि जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं उत्तराखंड को प्रमोट करूँ उस राइड के दौरान, लोगों को बताऊँ इस कॉन्टेस्ट के बारे में। आप भी अपने देश में जहाँ से जिस सिटी से हैं वहाँ आप भी राइड स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, हर साल इसका कॉन्टेस्ट होता है। और भैया जी को सपोर्ट करने के लिए नीचे लिंक है, आप वोट कर सकते हैं, आपका एक वोट बहुत काम का रहता है। प्लीज़ गाइज वोट फॉर मी। और उत्तराखंड वालों से तो बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट करिए और पहरा ट्रू ऑनर उत्तराखंड से बनवाइए मुझे। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है एक लॉन्ग राइड को लेकर और कितना आपका बजट कम से कम आप अपने पास रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख लगेज की, ये आपने कहाँ से लगवाया और ये कितने का आपको पड़ा? ये करोल बाग में मैंने नाई वाला से लगवाया है। जनरली ये 1250 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छी क्वालिटी जिसमें थोड़ा हैवी मेटल हो उस पे जाएं, तो ये मैंने 1600 के अराउंड लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप हैवी डालना चाहिए? मतलब नहीं, लोग तो ये चाहते हैं कि मतलब हल्का रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान डाल लें। नहीं, पर वो उसके पीछे इसकी जो पाइप्स होती हैं ये वाली, ये अक्सर टूट जाती हैं। और मैंने लाइक JNK एक्सपीडिशन में मैंने देखा एक बंदे ने पूरा सामान लगा रखा था। कहते हैं PVC पाइप वो वाला लेना चाहिए, और ये पाइप अगर एक बार हट जाती हैं तो बैलेंस बिगड़ जाता है और ऑफ रोडिंग में तो बहुत दिक्कत होती है। अगर हल्का सा भी एक आध नट खुल गया इसका तो पूरा ये आपका खराब हो जाएगा। दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। आपने कहा था कि मैंने रोड साइड असिस्टेंट, हाँ, जिसको बोलते हैं कंपनी का आरएसए, तो आपने कराया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? मेरा तो रोड साइड असिस्टेंट का अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने कराया था, मैं कन्याकुमारी जा रहा था राइड पे अपनी, मैं मुंबई से निकला ही था कि मेरी चेंज पॉकेट ख़राब हो गया था। तो मैंने जब उन्हें बुलाया तो मेरी पॉलिसी मैच्योर नहीं होती। आप कभी भी जा रहे हो तो कम से कम 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले आप अपनी रोड RSA करवाओ, क्योंकि अगर आप करा के एकदम तुरंत निकलते हो, सोचते हो कि RSA मिलेगा, तो वो नहीं होता है। नहीं, एक हफ्ता पॉलिसी को मैच्योर होने में लगता है। उसके बाद वैसे मैंने सुना है RSA वाले आते हैं इसमें, आपको क्या कहते हैं, टोइंग मिल जाती है 160 किलोमीटर के अंडर में। और बट अगर आप कभी भी RSA कराओ, आपकी गाड़ी कभी भी ख़राब होती है तो आपके घर पर नहीं होनी चाहिए, आपके ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, आप बोलो रोड पर है। एक बार मेरे ऑफिस में हुई थी, वो तब भी नहीं आए थे। ओके, तो मतलब अगर गाड़ी हमारे गाड़ी आपकी रोड साइड असिस्टेंट रोड पे होनी चाहिए, आप ऑफिस से हो तो ऑफिस के बाहर निकाल दो, कहो रोड पे है गाड़ी। चलिए अब दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपका अभी तक का जो गाड़ी का इंजन को लेके क्या रिस्पॉन्स है कि गाड़ी ने इंजन ने क्या रिस्पॉन्स किया? अभी तक मैं गाड़ी से बहुत खुश हूँ। मैं हर जगह गया, सबसे डिफिकल्ट टेरेन में भी गया, स्पीति गया, JNK गया, मैं किश्तवाड़ गया, ठीक है, और कभी गाड़ी में कोई ऐसी इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई है। ज़्यादा चेंज पॉकेट की दिक्कत आई है अभी 2 बार मेरे को बस,
विद इन द ट्रिप हाँ 50,000 किलोमीटर में हाँ। इसका दो बार स्पीडोमीटर टूट गया, आज अभी हमने आपसे ही डलवाया जैसे, और एक बार और पहले टूटा है। तो दो बार स्पीडोमीटर और दो बार चेन स्पॉकेट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी से मतलब, और ना पंचर की भी ऐसी कोई वो नहीं आई है कभी दिक्कत नहीं पंचर को। हाँ तो सर्विस मैं रेगुलर में कराता हूँ 3,000 किलोमीटर पे, और ऑयल भी चेंज करवाता हूँ मोस्टली। सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि 6,000 रुपये कराना चाहिए, तो मैं 3,000 रुपये करा देता हूँ ऑयल चेंज। ओके, अब एक सवाल और जो बहुत ही ज़्यादा और सबसे मेन है कि बजट क्या रहना चाहिए। बजट को लेकर, बजट मेरा हमेशा कम से कम रहता है, बेसिक जो आपका बजट है। सबसे ज़्यादा अगर आपकी लॉन्ग राइड्स होती है तो पेट्रोल का खर्चा होता है। ओके, उसके बाद आप कम से कम कर सकते हैं मतलब लोकल फूड खाइए, लोकल फूड जो वहाँ मिल रहा है जो वहाँ का लोकल है वो ट्राई करो, और स्टे का भी अपना मतलब ये है खाओ मस्ता रहो सस्ता। तो आप रहने का आप देखो कि ज़्यादा ज़्यादा कम बजट में मिल जाए, या आपको बस रात काटनी होती है दिन भर तो आप बाइक चलाते हो। खाने पे आप फोकस दो कि कहते हैं खाओ अच्छा, ज़्यादा ऑयली नहीं मतलब हेल्दी खाना खाओ, और राइड के दौरान गर्मियों में तो मतलब आप हाइड्रेटेड रहो मतलब पानी यानी जूस वूस पीते रहो, जहाँ लोकल गन्ने का जूस मिल गया बेल का जूस मिल गया, तो इस तरह से आपको ये हेल्दी रखता है कोकोनट वाटर। आपकी राइड के टाइम पे गाड़ी ने एवरेज कितना दिया? राइड के टाइम पे ये कभी स्टार्टिंग में तो मतलब अगर मैं सिंगल चलूँ और विदाउट LC चलूँ तो 30 से 40 के बीच में देती है। पहाड़ों पे LC के साथ सामान जैसे मैं स्पीति गया था ऑफ रोडिंग तो 25 ऐसे, और अभी भी देरी है अलग अलग टेरेन पे अलग अलग हो जाता है, जैसे अब नदी किनारे रोड है तो उस पर ज़्यादा बढ़ जाती है, चढ़ाई पे अगर आप काला मुनी जाओगे इधर पे तो घट जाता है इसका 22 किलोमीटर तक। तो फाइनली हमें एक बजट कितना बना के रखना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके कितने दिन की ट्रिप है, आप कहाँ जा रहे हैं? 10 दिन का ट्रिप मान लीजिए, 10 दिन के ट्रिप है और कितने किलोमीटर कवर कर रहे हो आप? 10 दिन में कितना रहेगा? 4-5 हज़ार मान लीजिए। 5,000 किलोमीटर के आप पेट्रोल का आप अलग हटा लो पहले, फिर उसके बाद आपका 10 दिन का है तो 10 दिन का एटलीस्ट आपका 500 रुपये मिनिमम मैक्स मिनिमम तो रहेगा ही, क्योंकि आप 200 अगर आप कैंपिंग भी करते हो और खाना 3 टाइम का अगर सिंगल बंदा है तो 500 रुपये मिनिमम रहेगा ही, लेकिन आप इसे 500 से 1,000 या 1,500 के मान के चलो पर डे का खर्चा, क्योंकि और इसमें आपको एक्स्ट्रा आपके थोड़ा इमरजेंसी बजट भी रखना पड़ेगा इन केस आपकी बाइक ख़राब हुई तो 5-10 हज़ार रुपये उसके लिए आप अलग से रखिए, क्योंकि कभी भी बाइक को टो कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो फाइनली हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं सब्सक्राइबर देख रहे हैं इनके लिए क्या है जो राइड स्टार्ट करना चाहते हैं? राइड स्टार्ट करना चाहते हो मेरा जैसे इंस्टा का हैंडल है और यूट्यूब चैनल मेरा भी है राइड विद नरेन चंद, तो ये इसीलिए बनाया गया है कि जो लोग नहीं देख पाते हैं जिनका जैसे ऑफिस में मन करता लेकिन छुट्टियाँ नहीं मिल सकती तो वो एक एक्सपीरियंस ले और वो अपनी प्लानिंग करे और वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मतलब उनको कस्टमाइज आइटिनरी बना के दे सकता हूँ। और आप अगर आपको कभी भी राइड करने का मन करता है तो बस कर डालो, वेट मत करो दोस्तों का किसी का छुट्टियों का, जस्ट डू इट, क्योंकि फिर वो मौका बार बार नहीं आता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भाई को, एंड प्लीज़ वोट फॉर मी रैंगलर ट्रू ऑनर नरेन चंद, लिंक इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर मोबाइल से वोट कर सकते हैं, फेसबुक से वोट कर सकते हैं, ट्विटर से वोट कर सकते हैं, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साइट पे व्हाट्सएप शेयर का भी ऑप्शन है, सारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा के मुझे दिलाइए। जय हिंद जय भारत।